लखनऊ में खुर्रम नगर के एक मस्जिद में ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान काफ़ी मात्रा में ब्लड डोनर ने ब्लड डोनेट किया। इंसानियत टीम के ऑर्गेनाइजर इंसानियत जी ने बताया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म और ब्लड डोनेशन से बड़ा कोई दान नहीं होता। सर, आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ब्लड ज़रूरियात है इंसानी लोगों की। ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाने की कोई मशीन आज तक दुनिया में नहीं बन पाई। जो ब्लड सिर्फ इंसानी जिस्म ही बना सकता है जो दूसरे इंसान को काम आ सकता है। हम लोग अक्सर इस बात को फेस करते हैं एज ए डॉक्टर जी, रात बिरात जब ज़रूरत पड़ती है तो इंसान के पास डोनर नहीं होता, और जब डोनर नहीं होता तो उसको ब्लड नहीं होता। तो उसके लिए एक ये पहल की जा रही है मस्जिदों से कि यहाँ से डोनेशन कराया जाए, और जो भी डोनर है उनका एक रिकॉर्ड मस्जिद में मेंटेन, जिससे कि उस महल्ले के या शहर के लोगों को जब भी रात बिरात ब्लड की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से वो एक कार्ड इशू हो जाए, जिससे डोनर के बिना आम आदमी को ब्लड आसानी से मिल सके। इसमें किसी कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई भी इंसान किसी भी मजहब का हो सकता है, किसी भी मसलक का हो सकता है, सभी हमारे सब के लिए मदद के लिए हम लोग हमेशा। ये सर किसी चैरिटी के अंडरटेकिंग हो रहा है? ये एक काउंसिल बनाई गई है, मस्जिद काउंसिल जी, और इसमें तमाम एसोसिएशन हैं, जैसे आपके एहसान फाउंडेशन है, इंसानियत है, जैसे कि कुदरत भाई हमारे बगल में बैठे हुए हैं, ये हमेशा ब्लड डोनेशन करते रहते हैं। इनमें सबके इनिशिएटिव पे हम लोगों ने भी इस काम को मस्जिद से शुरू किया और मस्जिद काउंसिल के थ्रू शुरू किया कि ज़्यादातर खैर के काम मस्जिदों से किए जाए, जैसे कि गरीबों में कपड़ा बांटना, खाना खिलाना, उनको हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करके देना, उनको अगर खून की ज़रूरत है वो भी मस्जिदों से ही हम फुलफिल कर सकते हैं। तो ज़रूरतमंद लोगों को आप पहुंचाएंगे? ज़रूरतमंद के ब्लड डोनेशन में कोई गरीब अमीर की बात नहीं होती, ज़रूरतमंद वो होता है जिसको खून की ज़रूरत है और उसके पास डोनर नहीं। जी, ये ज़्यादातर परेशानी आती है रात के वक्त, सुबह के वक्त कोई ना कोई अपने दोस्त अहबाब को
बुला लेता है, रिश्तेदार नातेदार दूर से आ पाते हैं, लेकिन अगर 12 बजे रात में किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है तब उसको डोनर नहीं मिल पाता। ये उन ज़रूरतमंदों के लिए, किसी गरीब ज़रूरतमंद की यहाँ बात ही नहीं है, जो भी ज़रूरतमंद है जिसको खून चाहिए उसकी मदद के लिए हम लोग और हमारे साथ में जो और एसोसिएशन हैं वो हमेशा खड़े हैं। जैसा कि सर मुझे पता चला कि आप ऑलरेडी एक डॉक्टर हैं, तो अपना परिचय देना चाहें। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर जमाल है और मैं एक छोटा सा अस्पताल चलाता हूँ जिसका नाम अमर हॉस्पिटल है, जिसको मैं चला रहा हूँ। जी कुदरत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका आपका भी काफ़ी इसमें योगदान रहा है, आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि ये जो पहल है ये बहुत बड़ी पहल है और पहली बार किसी मस्जिद से ब्लड कैंप का स्टार्ट हुआ है और डॉक्टर आमिर साहब की और उनकी पूरी टीम की और उनके साथियों की बहुत बड़ी मेहनत है कि इतने लोग रक्तदान एक प्लेटफॉर्म में और एक जगह पे इतने लोग रक्तदान, ये बहुत बड़ा कैंप है। समझिए कि हम लोग सोच नहीं सकते थे कि लगता था कि कुछ लोग और इतने लोग सुबह से आए हुए हैं और लाइन लगी रही है, आप सुबह से देखते हैं कि कितने लोग रक्तदान किया है। तो इसी तरीके से मस्जिद में जाकर कैंप लगेंगे और लोगों को रक्तदान मिलेगा और उससे जीवन मिलेगा, ये सबसे बड़ा दान होता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। इंसान कुछ भी कहे कैसे भी कहे, मैं ये इसलिए महसूस करता हूँ कि जब हम लोग रात में 2 बजे काम करते हैं और 24 घंटे, तो रात में जब हमारे पास 2 बजे फ़ोन आता है तो एक यूनिट ब्लड के लिए, तो लिए ये कैंप मस्जिदों में लग रहे हैं कि रात की ज़रूरत पड़े किसी को और कैसे पड़े तो आप रात में 2 बजे काट दीजिए, मस्जिद में रहेगा, जब भी आपको किसी की ज़रूरत पड़ी, उसने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, कागज़ लेके आया कि उसे ज़रूरत है ब्लड की, तो फटाक से वो ब्लड मिलेगा, बिल्कुल मना नहीं है, क्योंकि ब्लड देना सबसे बड़ी चीज़। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि इंसान अभी डरता है, वो सोचता है कि हम खून देंगे तो कमज़ोर पड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे, मुझे बहुत बहुत सारे सवाल आते हैं, लोग करते हैं, तो मैं इन्हीं सवालों को जवाब देना चाहूँगा। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी की आप सर्विस नहीं कराएंगे 3 महीने 4 महीने में तो गाड़ी ऑटोमेटिक बैठ जाएगी, उसको मोबाइल काला हो जाएगा। ऐसे शरीर है, शरीर से वो ब्लड नहीं निकालेंगे, पुराना नया नहीं आप बनेगा, तो आपका शरीर में शुगर भी होगा, हार्ट के पेशेंट भी होंगे और आपको बहुत बीमारियां लग जाएंगी। तो इसलिए हर 3 महीने में आपको रक्तदान करना है और उससे बड़ी चीज़ किसी जीवनदान के साथ खड़े होना है। जब तक ये हम करेंगे तो जब हमारे अंदर इंसानियत आएगी, इंसानियत इसी को कहते हैं, ना हमें धर्म है, ना जात है, ना पात है, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, ना कोई सिख है, सिर्फ एक इंसान है। दुनिया में ऊपर वाले ने भेजा है एक इंसान को, एक इंसान की जरूरत के लिए, वो यही जरूरत है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत। दिल तोड़ कर मंदिर बना लो, मेरा सर फोड़ कर मस्जिद बना लो, न तोड़ो इस वतन को, जला चाहिए तो मेरा घर जला लो।